नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे दो अंडे तोड़ लेंगे। काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालेंगे, अच्छी तरह फेंट लेंगे। यहाँ चूल्हे पे हमने एक पैन रख लिया है, कुछ नमक डालेंगे, अच्छी तरह से पूरे पैन में लगा लेंगे। यहाँ हमने दो ब्रेड के पीस लिए हैं, इन दोनों ब्रेड के पीसेस को हम एक साइड से जो है वो अच्छी तरह सेक लेंगे। ये एक साइड से अच्छी तरह जो गोल्डन हो गए हैं दोनों को उतार लेंगे। दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डालकर हमने चूल्हे को जो है वो ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ हम बीटे हुए जो है वो अंडे डालेंगे। यहाँ हम जो ब्रेड के पीस हमने जिधर से टोस्ट किए थे वो नीचे वाली साइड पे रखेंगे। और इनको स्लो फ्लेम पे जो है वो पकने देंगे। यहाँ एक साइड से अच्छी तरह देखें ये मूव हो चुका है, तो ओके। अब हम इनको बहुत एहतियात के साथ जो है वो टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हम बहुत एहतियात के साथ इसे जो है वो टर्न करते जाएंगे। और आज की स्लाइस है ये इसके ऊपर रखेंगे। बहुत एहतियात के साथ इसको इस पे टर्न कर देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा टोस्ट जो है वो इधर से रेडी हो चुका है। बस इतनी देर हमने स्लो फ्लेम पे सिपकाना ताकि चीज़ अच्छी तरह हमारी जो है वो मेल्ट हो जाए। इसको टर्न करेंगे। माशाल्लाह दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह जो है हमारे टोस्ट भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली जी बहुत मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत, टेस्टी सा हमारा जो है वो चीज़ ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट जो है वो ब्रेड टोस्ट तैयार है। अभी यहाँ इसे हम सेंटर में से कट कर लेंगे।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना चीज़ी जो है वो हमारा ब्रेड टोस्ट जो है वो रेडी है। इतना खूबसूरत ये देखने में आना, इतना ही मज़ेदार है। आप गर्मा गर्म इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, नाश्ते में आप इसे लें, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। जितना खूबसूरत ये देखने में है ना, इंशाल्लाह उतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।